हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत से यूजफुल सेंटेंसेस को यूज़ किया है, जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये मुश्किल रहा होगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नो दिस मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर यू। आई नो दिस मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर यू। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये मुश्किल रहा होगा। मैंने भी अपने दोस्तों को खोया है। I have also lost my friends. I have also lost my friends. मैंने भी अपने दोस्तों को खोया है। I have also lost my friends. मैं अच्छे से जानता हूँ इस दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I know very well what it's like to live alone in this world. I know very well what it's like alone. What it's like to live alone in this world. मैं अच्छे से जानता हूँ इस दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है। I know very well what it's like to live alone in this world. क्योंकि मैं खुद 5 साल से अकेला रह रहा हूँ। Because I myself have been living alone for 5 years. Because I myself have been living alone for 5 years. क्योंकि मैं खुद 5 साल से अकेला रह रहा हूँ। मुझे अपने दोस्त के साथ रहना पसंद नहीं, या मैं अपने दोस्त के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट लाइक लिविंग विद माई फ्रेंड। आई डोंट लाइक लिविंग विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ रहना पसंद नहीं करता। वो मुझसे पूरा दिन काम करवाता है। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये। ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। वो मुझसे पूरा दिन काम करवाता है। अगर मैं रुका तो सच में पागल हो जाऊंगा। आई विल ट्रूली गो क्रेजी इफ आई स्टे। आई विल ट्रूली गो क्रेजी इफ आई स्टे। अगर मैं रुका तो सच में पागल हो जाऊंगा। आई विल ट्रूली गो क्रेजी इफ आई स्टे। मैं उसके बुरे रवैये को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट टॉलरेट हिज बैड बिहेवियर एनी मोर। I cannot tolerate his bad behavior anymore. मैं उसके बुरे रवैये को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। I know better than you do. I know better than you do. मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। I know better than you do. जिस वक्त से तुम गुजर रहे हो, मैं उससे गुजर चुका हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I have been through what you are going through. I have been through what you are going through. जिस वक्त से तुम गुजर रहे हो, मैं उससे गुजर चुका हूँ। काफी यूजफुल सेंटेंस है ये। I have been through what you are going through. इसलिए मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ। That's why I can say one thing for sure. That's why I can say one thing for sure. इसलिए मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। In the end, everything will be fine. In the end, everything will be fine. आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। In the end, everything will be fine. मैं हमेशा से जानता था ये दिन आएगा। I always knew this day would come. I always knew this day would come. मैं हमेशा से जानता था ये दिन आएगा। अगर तुम ये शुरू से जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ यू न्यू दिस ऑल अलोंग व्हाई डिड नॉट यू टेल मी। इफ यू न्यू दिस ऑल अलोंग व्हाई डिड नॉट यू टेल मी। अगर तुम ये शुरू से जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इफ यू न्यू दिस ऑल अलोंग व्हाई डिड नॉट यू टेल मी। मुझे लगा था तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। आई थॉट यू वुड नॉट बिलीव मी। I thought you would not believe me. मुझे लगा था तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। इसलिए मुझे लगा तुम्हें ना बताना ही बेहतर रहेगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? That's why I thought
इट वुड बी बेटर नॉट टू टेल यू, दैट्स वाई आई थॉट इट वुड बी बेटर नॉट टू टेल यू, इसलिए मुझे लगा तुम्हें ना बताना ही बेहतर रहेगा, दैट्स वाई आई थॉट इट वुड बी बेटर नॉट टू टेल यू। दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो, डोंट से बैड थिंग्स अबाउट अदर्स, डोंट से बैड थिंग्स अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो, डोंट से बैड थिंग्स अबाउट अदर्स। मैं सुबह से रात तक बहुत काम करता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वर्क अलॉट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, आई वर्क अलॉट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मैं सुबह से रात तक बहुत काम करता हूँ, आई वर्क अलॉट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, आई नेवर टेक अ डे ऑफ, आई नेवर टेक अ डे ऑफ, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। मुझे दिन में सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिलती है लंच के लिए, या आप इस तरह भी कह सकते हैं, मुझे दिन में सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिलती है दोपहर के खाने के लिए। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई ओनली गेट 1 आवर ऑफ ऑफ अ डे फॉर लंच, आई ओनली गेट 1 आवर ऑफ अ डे फॉर लंच, मुझे दिन में सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिलती है लंच के लिए। जिसका डर था वही हो गया, जिसका मुझे डर था वही हो गया, वट आई वॉज अफ्रेड ऑफ हैज हैपन्ड, वट आई वॉज अफ्रेड ऑफ हैज हैपन्ड, जिसका मुझे डर था वही हो गया। मुझे यकीन है वो शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम श्योर दैट शर्ट विल लुक गुड ऑन यू, आई एम श्योर दैट शर्ट विल लुक गुड ऑन यू, मुझे यकीन है वो शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी। यहाँ आसपास एक कॉफी की दुकान हुआ करती थी, यहाँ आसपास एक कॉफी की दुकान हुआ करती थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, देयर यूज टू बी अ कॉफी शॉप अराउंड हियर, देयर यूज टू बी अ कॉफी शॉप अराउंड हियर, यहाँ आसपास एक कॉफी की दुकान हुआ करती थी, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, बट आई कुड नॉट से फॉर श्योर, बट आई कुड नॉट से फॉर श्योर, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। कोई अंदाजा वो इस वक्त कहाँ होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ, एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ, कोई अंदाजा वो इस वक्त कहाँ होगा, या कोई अंदाजा वो इस वक्त कहाँ हो सकता है, एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ, मुझे लगता है वो अब भी स्कूल में होगा, आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट स्कूल, आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट स्कूल, मुझे लगता है वो अभी स्कूल में होगा, आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट स्कूल। और तुमने कभी मुझे मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एंड यू नेवर लेट मी फील माई ब्रदर्स अबसेंस, एंड यू नेवर लेट मी फील माई ब्रदर्स अबसेंस, और तुमने कभी मुझे मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। एक सेकेंड के लिए मुझे लगा तुम सच में पागल हो, फॉर अ सेकेंड आई थॉट यू आर ट्रूली स्टूपिड, फॉर अ सेकेंड आई थॉट यू आर ट्रूली स्टूपिड, एक सेकेंड के लिए मुझे लगा तुम सच में पागल हो। ऐसे वादे ना करो जिन्हें तुम निभा ना सको, काफी यूजफुल सेंटेंस है, डोंट मेक प्रोमिसेस यू कैन नॉट कीप, डोंट मेक प्रोमिसेस यू कैन नॉट कीप, ऐसे वादे ना करो जिन्हें तुम निभा ना सको, डोंट मेक प्रोमिसेस यू कैन नॉट कीप। क्या उसने बताया था कि वो कब वापस आएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, डिड ही टेल यू व्हेन ही विल बी बैक, डिड ही टेल यू व्हेन ही विल बी बैक, क्या उसने बताया था कि वो कब वापस आएगा, डिड ही टेल यू व्हेन ही विल बी बैक। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।